नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाए जाने की आशंकाओं के बीच मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नए बिल पर काम कर रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी बाजार आज के वक्त में देश में काफी बढ़ चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारी इस पर विस्तृत चर्चा हुई है, अभी हमें क्रिप्टो करेंसी बिल का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार एक जोखिम भरा क्षेत्र है, इसके गलत हाथों में जाने के खतरों पर भी सरकार की नजर है। क्रिप्टो करेंसी पर सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा है कि वो अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, हम एक बिल लाएंगे फिर उसके बाद चर्चा कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने डिजिटल करेंसी के विज्ञापनों को रोकने का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार नियामक सेबी के माध्यम से इसको लेकर जागरूकता पैदा करने को कदम उठाए गए हैं। इसे लेकर तैयार किया गया क्रिप्टो करेंसी बिल जल्द ही पेश किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया था कि डिजिटल करेंसी के विनिमय के लिए रिजर्व बैंक ने उसे अक्टूबर में एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें कहा गया था कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाएगा, यानी डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की तरह देखा जाए। इसलिए RBI ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।